हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रदीप, हमारे एपटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप अपने ई श्रम कार्ड में जो अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है, एड्रेस से रिलेटेड कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, आप उसमें एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप मत नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आपको जो एड्रेस है उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में चलना पड़ेगा। मैं गूगल क्रोम में यहाँ पे चलता हूँ। आपको यहाँ पे इस तरीके से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। गूगल क्रोम में आप सर्च करेंगे ई श्रम कार्ड, ये सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे दिखा रखा है ई श्रम होम, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी, जैसा कि आपने रजिस्टर किया था ये वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री, रजिस्टर ऑन ई श्रम ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर पूरे पे क्लिक कर देना आपको। और आप अगर पहले से रजिस्टर्ड हो इस पे ऊपर, आपको एड्रेस चेंज करना है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड और अपडेट पे क्लिक कर देना आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपडेट पे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ पे मांग रहा है आधार लिंक मोबाइल नंबर इज प्रेफर्ड, जिस मोबाइल नंबर से आपने बनाया था ई श्रम कार्ड वो आपको यहाँ पे डालना है। मैं वही नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है और ये नीचे जो कैप्चा लिखा हुआ है सेम आपको इस तरीके से इस बॉक्स में डाल देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। तो ये मैंने ओटीपी भी इसमें इंटर कर दिया है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको आपसे ये मांगेगा आधार नंबर, जो आप जिस आधार नंबर से आपने ये बनाया था ई श्रम कार्ड वही आधार नंबर आपको डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर को इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट, आयरिस और ओटीपी। आपको ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इंटर कैप्चा है यहाँ पे, इंटर कैप्चा आपका सेम टू सेम यहाँ पे भर देना आपको। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे हम। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर ओटीपी जाएगा आपको। ओटीपी तो यहाँ पे मैंने ओटीपी को इंटर कर दिया। उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, जिस जो आपने रजिस्टर किया था वो पूरी डिटेल के साथ आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इस पर क्लिक कर देना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और अपडेट के वाइज भी आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ चुका है, वेलकम टू अमृता। ये अमृता का ये वो था ये ई श्रम कार्ड। तो उसके बाद आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है या डाउनलोड यूएन, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, डाउनलोड यूएन कार्ड पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया है ये ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड में देखो, मैं आपको एड्रेस चेंज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे दिखा हुआ है करंट एड्रेस 15 आदर्श नगर बल्लभगढ़, तो मैं आपको यही चेंज करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं बैक करता हूँ इसको, अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोफाइल में क्या है, हमें क्या चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है। तो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे डू यू वांट टू अपडेट अनऑर्गेनाइज वर्कर डाटा, यस, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको क्या है, एड्रेस आ गया आपका यहाँ पे। एड्रेस आने के बाद आपको हाउस नंबर, जैसे देखो 15 दे रखा है, मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने 16 कर दिया यहाँ पे। ये इस तरीके से आप कोई भी डिटेल यहाँ पे लोकलिटी में अगर कोई दिक्कत हो गई, स्टेट में कोई दिक्कत हो गई है अगर, या डिस्ट्रिक्ट या तहसील भरने में कोई दिक्कत हो गई है, तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे, ये 15 की जगह मैंने 16 कर दिया। उसके बाद क्या करना, अपडेट पर आपको क्लिक कर देना नीचे आने के बाद, और यहाँ पे आया प्लीज़ कंटिन्यू टू अपडेट द इन्फॉर्मेशन, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका अपडेट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। और अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक पे क्लिक करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड यूएन कार्ड का फिर दोबारा ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको एड्रेस दिखाया था 15 था वहाँ पे, तो 16 करना था मुझे, तो 16 यहाँ पे हो चुका है। देखो, यह इस तरीके से आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो में मिली जानकारी आपके इफेक्टिव है, आपके लिए कामयाब है, हुई साबित हुई है, तो आपको इसको हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।